हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्प कॉर्नर। सो आवर टुडेज डिस्कशन इज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री। ये हमारा टॉपिक है आज के डिस्कशन का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई मस्ट से ये टॉपिक बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल रहने वाला है आप सबके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर आप BS इंग्लिश कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो इंग्लिश में, आप वैसे ही मीन्स बहुत आप बस आपने लिटरेचर पढ़ना है ना, अगर डजेंट मैटर आप किस कंट्री से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, जहाँ कहीं से भी हो, अगर आपने लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना है, तो ये कुछ मेन फिगर्स हैं। वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, कॉलरिज है, कुछ मेन फिगर्स हैं जिनको आपने हर हाल में स्टडी करना होता है। कुछ माइनर्स राइटर हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अलग अलग राइटर्स होते हैं, लेकिन चंद फिगर जैसे कि जॉफ्री चॉसर है, ये ऐसे फिगर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, जिन्होंने अपनी एक एज क्रिएट की। इन राइटर्स को हर हाल में पढ़ना होता है। तो वर्ड्सवर्थ को जाहिर सी बात है हर किसी ने, आई थिंक सबको पता होगा वर्ड्सवर्थ के बारे में, वर्ड्सवर्थ को पढ़ना ही पड़ता है। वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने पहले भी एक टॉपिक प्रिपेयर किया, वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ है ही नेचर पोएट, उसने नेचर से इंस्पिरेशन लिया है, नेचर से मुतासर होकर उसने सारा कुछ लिखा है, तो उसको जाहिर सी बात है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है एज अ पोएट ऑफ नेचर। तो ये एक नेक्स्ट उसके टॉपिक हो गया। मैंने कहा वर्ड्सवर्थ को की बुक्स को एक्सप्लेन करने से पहले अच्छा है मैं हर एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके बता दूँ। मैंने खुद से प्रिपेयर किया था पहले वाला भी, ये भी ट्राई किया है, आई होप अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखते हैं हमारा टॉपिक वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री एंड उसकी मेंशन फ्यू पॉइंट्स रिटन इन अकॉर्डेंस विद दिस थ्योरी। थ्योरी उसकी, उसने खुद एक पोएट्री की थ्योरी प्रेजेंट की है, उस चीज़ को पढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस। ऑल द पोएट्स एंड क्रिटिक्स इन डिफरेंट एजेस प्रेजेंटेड देयर ओन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पोएट्री। मीन्स हर कोई भी लिटरेचर हो, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कोई भी लिटरेचर हो, हर लिटरेचर के, हर एज का अलग अलग राइटर्स होते हैं, अलग अलग व्यूज़ और थ्योरीज प्रेजेंट करते हैं हर कोई राइटर्स और क्रिटिक्स अपने अपने। और इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट किया है पोएट्री को लेकर, उसने पोएट्री के नेचर को और फंक्शन को प्रेजेंट किया है। उसने ये सारी चीज़ अपनी बुक प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स में लिखा है। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखी है, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स इन 1798 में ये बुक लिखी गई है, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने इकट्ठे मिलकर ये बुक लिखी है। इस बुक के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स रोमांटिक इरा का स्टार्ट है। मीन्स और भी बुक्स लिखी गई हैं ग्रे ने, उनसे पहले ग्रे ने भी रोमांटिक पोएट्री के बारे में लिखा, लेकिन उनका वर्क एक यूनिक वर्क है। उसको ये जगह मिल गई कि ये ऐसा माना जाता है कि प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड से रोमांटिक ईरा का स्टार्ट हुआ 1798 से। बिफोर रोमांटिक पोएट्री देयर वाज न्यू क्लासिकल पीरियड ऑफ पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री से पहले कौन सा पीरियड था? न्यू क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पोएट्स जो थे वो, उनका जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट था क्लासिकल पोएट्स का, वो इंटेलेक्ट पर था। मींस वो विजडम और नॉलेज पे फोकस करते थे, क्लासिकल पोएट्स विजडम और नॉलेज पे फोकस करते थे। लेकिन रोमांटिक पोएट्री का जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट था वो था फीलिंग्स, उन्होंने फीलिंग्स पे, इमेजिनरी पोएट्री है जो रोमांटिक पोएट्री है, उन्होंने फीलिंग्स पे फोकस किया है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्स वर फेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पोएट्री। वो कहता है कि एक ही किस्म की पोएट्री, क्लासिकल पोएट्री से लोग, पोएट्स जो थे वो भर चुके थे, तंग आ चुके थे, उकता चुके थे, तो उन्हें एक नई चीज़ की ज़रूरत थी। दैट्स वाई वर्ड्सवर्थ ने अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए थोड़े डिफरेंट। वर्ड्सवर्थ टर्न टू नेचर, अबाउट नेचर ऑफ पोएट्री ही रोट। वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर ही मशहूर है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इन दिस रिकॉर्ड। तो उसने पोएट्री के नेचर के बारे में कहा है, पोएट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन्स फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वो कहता है कि पोएट्री जो है हमारे अचानक से ज़ाहिर होने वाले स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, मतलब अचानक से ओवरफ्लो होने वाली फीलिंग्स जो हैं, उन ओवरफ्लो है वो फीलिंग्स कहाँ से हम इकट्ठी करते हैं, जो अपने ओरिजिन्स इकट्ठे करते हैं इमोशंस से, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो इमोशंस हमने पुरसकून माहौल में इकट्ठी की होती हैं किसी चीज़ से हम मुतासर होके। तो ये उसका थ्योरी ऑफ पोएट्री है,
Poetry is a spontaneous overflow of feelings. It takes its origins from emotions reflected in ट्रैंक्वलिटी. यही लाइन ओवरऑल है समझ लेने के लिए कि उसकी यही उसकी वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है और उसने पोएट्री के नेचर के बारे में यही चीज़ बताई है. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ वी डोंट मेक एफर्ट्स फॉर पोएट्री इट्स इंस्पिरेशनल एज कीट्स सेड पोएट्री कम्स टू अस लाइक लीव्स कम्स टू अ ट्री. मतलब वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोएट्री के लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती हैं. एज सच इतनी हमें कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती. ये एक इंस्पिरेशन है. किसी भी चीज़ से इंस्पायर होकर हम अच्छा खासा मतलब अपने वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, पोएट्री क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि वो कहता है कि कीट्स ने कहा है पोएट्री कम्स टू अस लाइक लीव्स कम्स टू अ ट्री. जैसे कि अचानक से एक दरख्त से के दरख्त पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन स्प्रिंग में फिर उसके पत्ते अचानक से आ जाते हैं, उसके नए कोंपलें आप फूट पड़ती हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं दरख्त के. तो इसी तरह से वो कहता है कि पोएट्री भी एक शायर को ऐसे मतलब पोएट्री कम्स टू अस लाइक लीव्स कम्स टू अ ट्री. अ पोएट इज़ अ पर्सन फुल ऑफ फीलिंग. व्हेन दीज फीलिंग्स ओवरफ्लो द पोएट कंपोजेस अ पोएम. मतलब एक फीलिंग जब किसी चीज़ से हम मुतासर होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो वो फीलिंग्स हमारे अंदर जो इकट्ठी होती हैं उन फीलिंग्स को पेपर पे लिखना मींस उन वर्ड्स को लिखना वो पोएट्री इसी तरह से आए हम खुद ब खुद हमारे अंदर से आती है. न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन इज़ दैट पोएट्री इज़ अ मैटर ऑफ थाट बट रोमांटिक ट्रेडिशन ऑफ पोएट्री इज़ पोएट्री इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग एंड टेम्परमेंट. जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्लासिकल पोएट्स कहते हैं कि विजडम और नॉलेज को देखते हैं, वो मैटर ऑफ थाट को देखते हैं कि सोच समझ के एक चीज़ को करना. लेकिन रोमांटिक पोएट्स बिना सोचे समझे फीलिंग्स को लेकर कहते हैं कि बस ये हमारी फीलिंग्स जो हैं वही ज़ाहिर होती हैं, जो हमारे अंदर से निकलती हैं वही पोएट्री है. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री, मतलब वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है पोएट्री की, ट्रू पोएट्री कांट बी रिटन विदाउट प्रॉपर मूड एंड टेम्पर. वो कहता है कि जो एक ट्रू पोएट्री है उसे लिखने के लिए एक प्रॉपर मूड होना चाहिए, अच्छे से बंदा किसी चीज़ से इंस्पायर होता है. इट्स नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, इट मस्ट फ्लो आउट फ्रीली फ्रॉम द सोल. वो कहता है कि अचानक से हमारे रूह के अंदर से हमारी सोल से जो फीलिंग्स अचानक से उभरती है ना, वही ओवरफ्लो जो है ना उसको जब हम पेपर पर राइट डाउन करते हैं वही पोएट्री. उसके लिए एज सच ज़्यादा हमें सोचना एक टाइम निकालना वो नहीं है. हाँ, प्रॉपर मूड होना चाहिए बंदे का. अच्छा मूड होता है अच्छी अच्छी फीलिंग्स इंसान से ज़ाहिर होती हैं. वर्ड्सवर्थ सेज दैट पोएट्री इज़ अ मैटर ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. वो कहता है कि पावरफुल फीलिंग्स, इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. वो कहता है कि ये कोई प्रोसेस विजडम का, नॉलेज का, थाट का नहीं है. Poetry is born not in the mind but in heart overflowing with feelings. वो कहते हैं कि poetry हमारे दिमाग से नहीं निकलती, हमारे दिल से निकलती है. जो feelings होती हैं वो निकलती हैं, ये thoughts को लेके नहीं है. बिल्कुल उसका जो है चेंज है उसकी थ्योरी क्लासिकल पोएट से. वो रोमांटिक पोएट है, बिल्कुल हट के एक चीज़ प्रेजेंट किया है. पोएट्स आर गिफ्टेड विद ग्रेट सेंसिबिलिटी. वो कहता है कि पोएट्स जो हैं वो मतलब नेचुरल ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाते हैं. जिस जिस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं उनकी फीलिंग्स ज़ाहिर होती है, उन फीलिंग्स को वो पोएट्री का नाम दे रहा है. दे लीव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम एंड फील एन अर्ज टू एक्सप्रेस देम. वो कहता है कि वो नेचुरल ब्यूटी से इम्प्रेस होते हैं तो वो चीज़ एक ज़ाहिर करते हैं, मतलब एक चीज़ से मुतासर हो जाते हैं और फीलिंग्स जो होती हैं उन फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं और उस एक्सप्रेशन को वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते थे, वो उसको पोएट्री का नाम दे रहा है. वी सी वर्ड्स वाज एक्सप्रेस्ड हिज ओवरफ्लोइंग फीलिंग्स स्पॉन्टेनियसली ऑन बिहोल्डिंग द डांसिंग डेफोडिल्स इन द ब्रीज. ये जो डेफोडिल्स की एग्जाम्पल दे रहा है, यानी कि डेफोडिल्स वाली जो पोएम है ये इस पोएट्री के अकॉर्डेंस में लिखी हुई है. जैसे कि हमें बताना है कुछ पॉइंट्स उसकी जो इस उसकी थ्योरी के अकॉर्डेंस में लिखी हुई हूँ, तो डेफोडिल्स एक ग्रेट एग्जाम्पल है इस इन दिस रिगार्ड. डेफोडिल्स उसने इस तरीके में लिखी है कि डेफोडिल्स जो है उसने एक मतलब फ्लावर्स को पकड़ते हुए अपनी स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स को ही, जो ओवरफ्लोइंग उसकी फीलिंग्स हैं उसको ही उसने लिखा है वर्ड्सवर्थ ने. वर्ड्सवर्थ सेज दैट अ गुड पोएट मस्ट मेडिटेट एंड पोंडर डीपली बिकॉज पोएट्री टेक्स इट्स ओरिजिन इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ये उसकी वही थी है कि पोएट को अच्छे से मेडिटेट करना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उसके इमोशंस जो हैं पुरसकून माहौल में जो इमोशंस कलेक्ट की जाती हैं उनको ही उसने पोएट्री का नाम दिया है. इट्स नॉट
an instant expression of powerful emotions. For successful observation, experience must be done. Wordsworth's poetic process has four stages. वो कहता है कि इसके लिए ये नहीं कि आपको कोई एक एक्सीडेंटल occurrence. वो कहता है कि पोइट को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर वो अच्छे से कंपोज कर सकता है अपनी पोइट्री को. के मींस एक पुरसकून माहौल क्रिएट करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अच्छे से नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. उसकी वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के जो थ्योरी है उसके तीन स्टेजेस हैं, उसके पोइटिक प्रोसेस के तीन स्टेजेस हैं. कौन से फोर स्टेजेस हैं? फोर स्टेजेस कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, कंटेम्पलेशन, रिवाइवल ऑफ ओरिजिनल इमोशन, कंपोजिशन. ये चार प्रोसेस से गुजर कर वो कहता है कि हम पोइट्री को कंपेयर करते हैं. तो इन प्रोसेस को देख लेते हैं किस तरह से. फर्स्ट, देयर इज ऑब्जर्वेशन टू सम ऑब्जेक्ट, करेक्टर और इवेंट विच सेट्स पावरफुल इमोशंस इन पोइट्स माइंड. वो कहता है कि पहले हम कोई चीज़ जो होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं. मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट में गया, उसने उस नेचुरल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, उसको अच्छे से उसमें टाइम स्पेंड किया, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या काम आता है? रिकलेक्शन एंड कंटेम्पलेशन ऑफ दैट इमोशन इन साइलेंस. मींस फिर उस ऑब्जर्वेशन को जो उसने मींस डेफोडिल्स के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर साइलेंट पुरसकून माहौल में जाके उसने उस चीज़ को फिर से रिकॉल किया, उसको कंटेम्पलेशन, फिर से उन चीज़ को अपने माइंड में रिकॉल किया. रिकलेक्शन जो है वो एक रॉ मटीरियल है. रिकलेक्शन इज़ अ रॉ मटीरियल. रिकोलेक्शन इज़ अ, जैसे कि वर्ड्सवर्थ कहता है, रिकोलेक्शन इज़ अ रॉ मटीरियल एंड कॉन्टेम्पलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट. मीन्स जो प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट रॉ शेप में होता है, फिर उनकी रिफाइनमेंट के बाद अच्छा प्रोडक्ट बनता है. वो कहता है रिकोलेक्शन जो है वो रॉ मटीरियल है, कॉन्टेम्पलेशन जो है वो रिफाइनमेंट का प्रोसेस है, उसके बाद अच्छे से पोइट्री कंपोज. दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस. वो कहता है कि इस चीज़ में मेमोरी एक वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें एक चीज़ रिकॉल करनी होती है, हमारे पास अच्छी मेमोरी होनी चाहिए ताकि हम उन लम्हात को जो हमने ऑब्जर्व किए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में जाके अच्छे से रिकॉल करने के लिए हमारे पास अच्छी मेमोरी होनी चाहिए. द पोएट सिंक्स डीप इनटू हिज फर्स्ट थॉट. वो कहता है कि अच्छे से डीप थॉट्स में फिर वो सिंक कर पाए, उनको रिकॉल कर पाए. थर्डली, द पोएट सेट्स अप द रिवाइवल ऑफ ओरिजिनल इमोशंस इन माइंड. फिर वो कहता है कि वो ओरिजिनल इमोशंस जो हैं उनको रिवाइव करे, उनको फिर से रिमाइंड करे. लास्ट स्टेज होती है कंपोजिशन. लास्ट पे उसने कंपोजिशन को कहा है. लास्ट पे वो सारा कुछ पहले ऑब्जर्व करके, फिर उनको अच्छे से पुरसकून माहौल में याद करके, उन पर थोड़ा वर्क करके, कॉन्टेम्पलेशन उनकी करके, फिर उनको दोबारा रिमाइंड करके, फिर वो कंपोज करता है एक पोइम को. पोएट, द पोइट कन्वेज इज थाट्स टू द रीडर्स. वो कहता है कि पोइट अपने जो है ख्यालात होते हैं, अपनी फीलिंग्स होते हैं, वही रीडर्स तक पहुँचाता है. ही प्रेजेंट्स इज ओवर फ्लोइंग फीलिंग्स इन द शेप ऑफ पोइट्री फ्रॉम, और यही कुछ मतलब है उसकी पोइट्री वर्ड्सवर्थ की, यही है जो ओवरऑल है. वो कहता है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमें नेचुरल ब्यूटीज़ में हम जाके ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनको कॉन्टम्पलेशन के बाद फिर हम अगेन रिवाइव करते हैं, रिमाइंड करते हैं, फिर उनको कंपोज करते हैं, और हम अपने ही थाट्स, अपनी ही फीलिंग, जिन चीज़ से हम इंस्पायर होते हैं, वो हम रीडर्स तक पहुंचाते हैं. एज सच कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, वो कहता है पोएट्री के लिए, बस जो माइंड में आया वही कुछ राइट डाउन कर दिया. वो पोएट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट्री मस्ट सर्व द पर्पस ऑफ लाइफ एंड मोरालिटी. वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो पोएट्री है उसको जस्ट मीन्स ये नहीं कि किसी चीज़ की, मतलब वो कहता है कि अगर पोएट्री ने से इंसान मस्ट सर्व द पर्पस ऑफ लाइफ एंड मोरालिटी. जैसे कि उसने कहा है पोएट्री डाइवोर्स्ड फ्रॉम मोरालिटी इज़ वैल्यूलेस. मोरालिटी से हट के है जो पोएट्री, उससे जुदा होकर है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. ही वांटेड टू कंसोल थ्रू हिज पोएट्री. मतलब है उसने अपनी पोएट्री से अच्छे से सबको इंस्पायर करने के लिए, अच्छे मूड खुशगवार करने के लिए सबको, जैसे कि उसकी वर्ड्सवर्थ की जो है वो, पहले मैंने कहा कि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देख के इंसान
खुश हो जाता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में जाके अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं माइंड में, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को देख के ये चीज़ बताता है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट उसकी पोइट्री ओवरऑल, मतलब पोइट्री का जो ओवरऑल निचोड़ है वो यही कुछ है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना, दोबारा पुरसकून माहौल में जाके रिकॉल करना, उनको रिमाइंड करना, फिर कंपोज करना, यही है उसकी पोइट्री के फोर स्टेजेस, मेन फोर स्टेजेस मैंने आपको बता दिए उसकी पोइट्री के क्या हैं, कंपोजिशन, ऑब्जर्वेशन, फिर उसका है कॉन्टेम्पलेशन, रिवाइवल ऑफ ओरिजिनल इमोशंस, देन कंपोजिशन, यही फोर स्टेजेस हैं उसके वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को समझने के लिए। जो पोइम्स उसके एग्जांपल दे दें, डेफोडिल्स को देख लें, एक ग्रेट एग्जांपल है उसकी पोइम डेफोडिल्स, परफेक्ट एग्जांपल है। इस पोइम में उसने सही तौर से उसने इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी की सही एग्जांपल दी है। फॉर ऑफ व्हेन आई व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। वो कहता है कि जब किसी, मतलब है उसने कहा है कि मैं कहता हूँ कि मैं पुरसकून माहौल में अपने सोफे पर लेटता हूँ, वो इमोशंस मेरी आंखों के सामने, मतलब इनवर्ड आंखों के सामने आते हैं, मेरे अंदर खुशी एक भर देते हैं, मैं डेफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू कर देता हूँ, यही कुछ है वो फीलिंग्स को कह रहा है कि पहले भी जैसे मैंने उसकी बता दी है कि यही चार हैं, ऑब्जर्वेशन, कॉन्टेम्पलेशन, रिवाइवल ऑफ original emotion and then composition. Wordsworth's aim was to show the poet appealing to the normal interest of mankind, not as a peculiar being, appealing to the specialized taste. The main ideas which is listed in preface are following. The subject matter of poetry is whatever interests the human mind. The lyrical ballads are written as experiments to try out these. The language, the use of language, of conversation, of real people in poetry. मतलब वो कहता है कि कोई सब्जेक्ट मैटर मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट मैटर पोइट्री का वही होना चाहिए जो लोगों को इंटरेस्ट दे, मतलब ह्यूमन माइंड की इंटरेस्ट हो, वही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कोई ख़ास चीज़ पर थाट्स अपने नहीं देने चाहिए, बस जो फीलिंग, जिस चीज़ से आप इंस्पायर हो गए वो फीलिंग्स को राइट डाउन करना चाहिए, जो फीलिंग्स का ओवरफ्लो होता है। Poetry is a spontaneous overflow of feelings. It takes its origins from the emotions recollected in tranquility. ये चीज़ और वो उसके चार जो poetic process के चार points हैं, observation, contemplation, revival of original emotions and composition. ये चार उसके poetic process को समझने के लिए और उसके वो यही के फीलिंग्स, उसका आइडिया क्या है नेचर ऑफ पोइट्री को उसको समझने के लिए, ओवरफ्लो है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है फीलिंग्स का जो हम राइट डाउन करते हैं, सब्जेक्ट मैटर जस्ट यही होना चाहिए जिससे ह्यूमन माइंड इंस्पायर हो। और एक ग्रेट एग्जांपल इन दिस रिगार्ड हमने बता दी डेफोडिल्स है। वैसे उसकी और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि मतलब है सोलिटरी रीपर है, लूसी ग्रे है, मतलब यही पोइम्स उसकी, ये पोइम्स अच्छी एग्जांपल है इन दिस रिगार्ड, लेकिन डेफोडिल्स इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल। उसने उसकी पोइम्स कोई वेल मैनर्ड पोइम्स नहीं है, उसने भी इसी तरह लिखा है, जब भी उस जो भी उसके माइंड में आया, जो उसने ऑब्जर्व किया, उसको फीलिंग्स का ओवरफ्लो ही है। सो दैट्स ऑल, आई होप आई डिड वेल, अच्छे से आपको समझ आ गया कि वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री है क्या। आई ट्राइड माई बेस्ट, जो कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पुट योर टॉपिक्स टू बी प्रिपेयर्ड, और कोई टॉपिक आपका हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आई विल डू माई बेस्ट टू प्रिपेयर एंड दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाई माई सेल्फ। आई होप दैट्स यूजफुल एंड हेल्पफुल एंड इन डीड दैट्स अ वेरी वेल इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई, मस्ट हैव अ लुक। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, Remember me in your prayers. Allah Hafiz.